गाइस कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फर इकबाल और देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। अकेले ही मेरी सेना का और मेरा सामना एक साथ करना चाहते हो? मैं तुम पर दया करके अब तक चुप था, परंतु तुम दया के पात्र रही हो। दूषण, अपनी सेना को आज्ञा दो, कैसे जाकर खेल में। जो आज्ञा राम, ये सब मायावी और कपट युद्ध करने वाले हैं, इन्हीं के शस्त्र से इनका उत्तर दो। तुम्हारे पास ऋषि विश्वामित्र का दिया हुआ मोहिनी अस्त्र है, इस समय उसका प्रयोग करो, जिससे वे स्वयं उसकी माया से भ्रमित हो जाएं और आपस में लड़ मरे। अच्छा, जो आज्ञा। हाँ बाय बाय टाटा। ये राम भी कोई मायावी है, इसने मोहिनी अस्त्र का प्रयोग करके हमारी सेना को भ्रम में डाल दिया। अच्छा, तो मैं पहले इसकी माया को ही समाप्त कर देता हूँ। अच्छा, तो बच इससे। वापस छूट रंग का भाग जाने। भाग जा भाई साहब। धूर्त, दूषण को मारकर तूने अपनी मृत्यु को पुकारा है। खर की बारी है। थोड़ी सी हमारी विद्या सीख आया है, तू अपने आप को बड़ा मायावी समझता है। ठहर जा, मैं तुझे दिखाता हूँ अपनी माया का प्रभाव। इसने भाग जा यार, ये बाकी यार और बड़ा आई थे। ओह, आप घबराए। आप बस
ये गायब हो जाएगी, इसको भी जल्दी से एक लग जाए। अच्छा फौरन गायब हो जाती है। ओ यार दो गायब। तुम धन्य हो राम, महाबली भैरव दूषण को इस संसार में तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं मार सकता था। तुम्हारी सदा जय हो। ओ, 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 आहा। क्या प्रोटोकॉल के साथ एंट्री हुई है। सन लंका
शाहनंद की एंट्री हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ जो एक हालत उन बेचारों की होगी है ना, खैर और दूषण की, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर ही गर्व था कि हम पता नहीं क्या चीज़ हैं। जैसे वो बोल रहा था राम जी को, थोड़ी सी एक मायावी शक्ति आ गई है तो आप पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अभी आपको बताता हूँ, वो वही बेचारा यार गया एक नहीं, बाकी उन्होंने ना एक काफ़ी इधर भाई एक वर्ष हो गए उन्होंने अपना इधर राज जमाया हुआ था, और बेचारे काफ़ी एक ऋषि मुर का एक मतलब के वो वध करते थे और सारा उन्होंने अंत मचाया हुआ था, लेकिन एंड पर क्या हुआ बेचारों के साथ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि वो पावर अपने आप पर उनको काफ़ी मतलब के एक अच्छा पावर उनको घरूर था अपनी पावर पर, वे हमें कोई मतलब के एक हरा नहीं सकता, लेकिन फिर भी एक ना इजी होकर वो आ रहे थे और उसने सही बोला, क्या हुआ मूर्खों आपस में लड़ रहे हो नहीं उसने कहा पागल हो गए पागल हो गए सही लफ्ज बोला, पागल हो गए हमारे लोग भाई या लेकिन ये कि भाई वहाँ पे एक सही वो एक जो शस्त्र इस्तेमाल किया गया था मोनी, और उसकी वजह से भाई वो आपस में, लेकिन ये कि वो तो समझ रहा था कि हम जो है ना वो हरा दें खार और दूषण का, यही था एक मतलब जिस तरह उनको अपनी ताकत पे नाज था, लेकिन ये कि वो भाई इतनी देर नहीं रुक सके और उनकी भाई डेथ हो गई है। लेकिन इधर भाई दशानन की एंट्री हो चुकी है, देखो हाँ अब देखते नेक्स्ट पार्ट में, किंग ऑफ लंका, टेक केयर।